स्क्रीन पर जो इमेज आप देख पा रहे हैं इसे ज्ञानव्यापी परिसर कहा जाता है। फिलहाल के लिए हिंदू और मुस्लिम पक्ष के दावों के चलते ये पूरा परिसर विवादित है, क्योंकि हिंदू पक्ष का कहना है कि काशी विश्वनाथ मंदिर के बगल स्थित ज्ञानव्यापी मस्जिद के नीचे आदि विश्वेश्वर का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है। मुगल सम्राट औरंगजेब ने साल 1669 में मंदिर को तोड़वाकर यहां मस्जिद का निर्माण करवा दिया, जो अब ज्ञानव्यापी के रूप में जाना जाता है। इसी को लेकर कोर्ट में पिछले कई सालों से हिंदू पक्ष द्वारा यहां ASI सर्वे कराने की मांग की जा रही थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध लगातार ये कहकर कर रहा था कि ASI सर्वे के दौरान खुदाई से प्राचीन इमारत को नुकसान पहुंचेगा, जिससे मस्जिद और आसपास का एरिया क्षतिग्रस्त हो जाएगा। हालांकि अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूरे परिसर को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे की इजाजत दे दी है। ऐसे में फैसले से नाखुश मुस्लिम पक्ष एक बार फिर से कोर्ट का दरवाजा खटखटाने गया था, लेकिन कोर्ट में ASI ने न केवल किसी भी तरह की खुदाई से इनकार किया बल्कि ये भी कहा कि अगर खुदाई की जरूरत पड़ी तो वो अदालत से बिना अनुमति लिए ये काम नहीं करने वाले हैं। पर अब सवाल लाजमी है कि आखिर ASI ये सर्वे किस तरह से कर रहा है जो कि बिना खुदाई के हो रहा है। जवाब है GPR टेक्नोलॉजी। यूं तो इस मामले में कई तकनीक है जो बिना जमीन की खुदाई किए अंदर का सच बताने में सक्षम है, पर सबसे सटीक परिणाम देने वाला उपकरण GPR है। अब ये GPR क्या है और ये किस तरह से काम करेगा, आइए समझते हैं। GPR यानी कि ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, इसे भूमर्मज्ञ रडार भी कहते हैं। ये एक छोटी सी पोर्टेबल डिवाइस होती है और इस डिवाइस को यूज करने का मतलब ये हुआ कि जमीन में बिना खुदाई किए लैपटॉप और अन्य तकनीकी उपकरणों के सहारे विशेषज्ञ ये जान सकते हैं कि जमीन के नीचे छिपा क्या है। आसान भाषा में कहें तो ये एक तरह का स्कैनर होता है। जैसे आपने देखा होगा मेडिकल साइंस में सिटी स्कैन के जरिए डॉक्टर बीमारी का पता लगा लेते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड के जरिए पेट में मौजूद पथरी का पता या फिर भ्रूण की स्थिति पता चल जाती है, लगभग वैसे ही रडार काम करता है। दरअसल होता क्या है कि ये रडार जमीन के अंदर जांच के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज भेजता है। यही रेज वैज्ञानिकों को इमेज फॉर्म में जमीन के अंदर का सच वापस करती है। 15 मीटर गहराई तक की जमीन की गहराई में दीवार है, पत्थर है, कोई धातु या कुछ और, ये सारी जानकारी इसके माध्यम से सामने आ जाती है। वैसे इसके इतिहास की बात करें तो साल 1910 में वैज्ञानिक गोथेल्फ लिम्बैक और हेनरिक लोबी ने इसका पहला पेटेंट पेश किया था। साल 1926 में हुलसन बैक ने एक और पेटेंट पेश किया और बैक ने इस तकनीक को और प्रभावशाली बनाने का काम किया। साल 1929 में वैज्ञानिक W. स्टर्न ने इसी रडार या तकनीक से ग्लेशियर की गहराई को भी नापा था। बाद में इस तकनीक पर कई शोध हुए, लेकिन 1970 के आसपास इस तकनीक पर जो काम शुरू हुआ वो बेहद महत्वपूर्ण मुकाम पर है। साल 1972 में इस तकनीक का इस्तेमाल अपोलो मिशन में किया गया था। साल 2017 में सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर स्वर्णा सुब्बा राव के निर्देशन में भी वाराणसी में विकास कार्यों को लेकर इसी तकनीक से सर्वे किया जा चुका है। पिछली बार साल 2017 में देश में पहली बार बनारस में ही इस तकनीक से अंडरग्राउंड मेट्रो के लिए सर्वे किया गया था। इसके लिए सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया डॉक्टर स्वर्णा सुब्बा राव के साथ काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रोफेसर पृथ्वीश नाग टीम में शामिल थे। फिलहाल इस तकनीक का इस्तेमाल भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में बखूबी हो रहा है। हीरा, सोना, भूजल, मिट्टी, बजरी, यहाँ तक कि सेना द्वारा जमीन में छुपे विस्फोटकों का पता लगाने के लिए भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। बता दें अभी तक जहाँ भी इस तकनीक का यूज किया गया है वहाँ परिणाम बड़े ही सटीक पाए गए हैं। इसी वजह से ज्ञानव्यापी में भी ASI इसी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है, जो पूरा सच सामने लाकर रख देगी। खैर, अब बात अगर ASI की हो रही है तो आपको बता दें कि ASI यानी कि भारतीय पुरातत्व विभाग देश में ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण का काम करती है। इसे अंग्रेजों के शासनकाल के समय साल 1861 में बनाया गया था। मौजूदा समय में देश की सभी ऐतिहासिक धरोहरें जैसे कि ताजमहल, लाल किला और कुतुब मीनार इसी के संरक्षण में है। इन ऐतिहासिक इमारतों के रखरखाव, मेंटेनेंस और अन्य जरूरी काम ASI के जिम्मे ही है। इसके अलावा देश के किसी हिस्से में पुरातात्विक इमारतें, संरचनाएं या फिर वस्तुएं मिलने पर भी उसकी जांच पड़ताल ASI ही करता है। वैसे ASI किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भी बताना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए देखते रहें और करते रहें बातें UP की। नमस्कार।